नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, कोटपुतली बहरोड जिले के नवोदय स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र का शव क्लासरूम में पंखे से लटका मिला। जानकारी के मुताबिक स्कूल के टीचर जातिवादी भेदभाव के कारण दलित छात्र को पिछले 20 दिन से टॉर्चर कर रहे थे। महिला सफाई कर्मी जब क्लासरूम की सफाई करने पहुंची तो दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा स्थित नवोदय स्कूल का है। जानकारी के मुताबिक छात्र सचिन पुत्र बनवारी लाल जयपुर जिले के अमरसर थाना क्षेत्र के गांव हुन्नतपुर का रहने वाला था। सचिन अनुसूचित जाति समाज का सदस्य था। सचिन प्रागपुरा थाना क्षेत्र के पावटा स्थित नवोदय स्कूल में 10वीं का छात्र था। वह स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया, 22 अगस्त की रात 12:30 बजे वह पानी के लिए कमरे से बाहर गया था। इसके बाद वह वापस अपने रूम में नहीं लौटा। इसके बाद वह CCTV में हॉस्टल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। सुबह 6:30 बजे स्कूल की सफाई करने आई महिला कर्मचारी जैसे ही क्लास रूम में गई तो उसे सचिन का शव फंदे से लटका मिला। तभी महिला कर्मचारी ने तुरंत हादसे के बारे में स्कूल प्रशासन को बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और परिवार वालों को सूचना दी। छात्र के परिवार वालों ने स्कूल के 2 टीचर पर सचिन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि टीचर्स ने उसे इतना डांटा और डराया कि उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड और मर्डर दोनों एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सचिन के पड़ोसी सत्यपाल स्कूल पहुंचे। सत्यपाल ने बताया कि सचिन के पिता बनवारी लाल मजदूरी करते हैं, मां मानसिक रूप से बीमार है। सचिन के पिता मजदूरी करने गए, उनके पास फोन नहीं है, इसलिए सूचना मिलने पर मैं स्कूल पहुंचा। सचिन से बड़ी 2 बहनें और 1 छोटा भाई है। सचिन ने 4 साल पहले 6वीं क्लास में नवोदय स्कूल में एडमिशन लिया था। मुझे स्कूल के बच्चों ने बताया है कि हिंदी के टीचर विवेक यादव और भूगोल के टीचर राजकुमार यादव सभी बच्चों को टॉर्चर करते हैं। दोनों टीचर ने सचिन को प्रताड़ित किया था। सचिन से कहा था कि तेरे माता पिता यहाँ आएंगे और हमारे चरणों में झुक जाएंगे, इसी वजह से सचिन ने सुसाइड कर लिया। सत्यपाल ने कहा, नाम नहीं बताने की शर्त पर स्कूल के कुछ बच्चों ने बताया कि 20 दिन पहले सचिन ने किसी जूनियर बच्चे को डांट दिया। स्कूल के टीचर्स ने सचिन को डांटा और कहा कि अगर यह बात पुलिस तक पहुंची तो रैगिंग का केस बना देंगे, फिर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, पुलिस पिटाई करेगी। इस डर से सचिन ने माफ़ी मांग ली थी और क्लासरूम में फांसी लगा ली। अब देखना होगा कि जातिवादी टीचर को कब तक सजा मिलेगी या जाति भेदभाव के कारण स्कूल में छात्र टॉर्चर होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।